हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं संडे अपडेट के साथ मैं अपने गार्डन की कुछ फ्लावर भी दिखाऊंगी और कुछ प्लांट्स का अपडेट भी दूंगी। तो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाती हूँ अपने मॉर्निंग ग्लोरी, जो कि फिर से खिलने लगे हैं। सारे ही प्लांट ख़राब होने लगा था, तो मैंने सारा ऊपर से कट कर दिया था और नीचे का स्टेम और जड़ें रह गई थी, तो उसी में से फिर से प्लांट अच्छे से डेवलप हो गया है और उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर काम करने के लिए रखे हुए थे, इसे मुझे अभी ट्रांसप्लांट करना है, तो इसमें भी यहीं पर फ्लावर खिल गए हैं। बारिश हो जाती है अचानक से, तो काम वहीं पे छोड़ के और जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए रेन लिली भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्लावर ख़राब हो जाते हैं बारिश में जल्दी से। यहाँ पे हमारे सनफ्लावर के प्लांट फिर से रेडी हो गए हैं, दूसरे प्लांट सीड से रेडी हो गए, पहले वाले तो सारे के सारे ख़राब होते जा रहे हैं। और देखिए, एक फ्लावर भी खिल गया है। यहाँ पर हमारे देखिए, ये जो मैंने चाइनीज़ एमरेंथिस के प्लांट दिखाए थे, उनमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे हमारा साइप्रस वाइन, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसका फ्लावर एक ही दिन चलता है, फिर बुझ सा जाता है। और लेकिन काफ़ी फ्लावर हो रहे हैं, बारिश में थोड़ा प्लांट भी ख़राब हो रहा है, अब देखना पड़ेगा। हमारे बालसम में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय, लेकिन जैसा कि अभी गणेश जी आए हुए हैं घर पर, तो सारे ही फ्लावर हम मॉर्निंग में ले लेते हैं, तो इसलिए फ्लावर आपको दिखे नहीं। यहाँ पे हमारा कैना लिली भी खिल रहा है, और यहाँ पे येलो वाला, और मैरीगोल्ड भी हमने काफ़ी सारे ले लिए हैं, छोटे वाले मेरे यहाँ जो जाफरी वाले लगे हुए पूजा के लिए ले लिए हैं। यहाँ पे हमारे बोट लिली भी फिर से फ्लावरिंग कर रहे हैं देखिए, और इसी तरह से इसके फ्लावर खिलते हैं। बोट के आकार का इसका फ्लावर का बना रहता है, देखिए ब्रेक्स बना रहता है, उसके अंदर खिलता है। और देखिए, बारिश में प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये मेरा फाइकस का प्लांट, इसकी पत्तियां पता नहीं क्यों झड़ गई हैं, मुझे देखना पड़ेगा इसे, कहीं इस पे नीचे फंगस तो नहीं लग रहा है जड़ों में। और यहाँ पे हमारे हैं ड्रेसिना और ये रबर प्लांट। देखिए, रबर प्लांट पे मैंने जब वीडियो डाला था, उसके बाद से देखिए 1 2 3 4 5 6 पत्तियां नई निकली हैं, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही हैं मेरे इस प्लांट पे। रबर प्लांट मेरा काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो ड्रेसिना का जब वीडियो बनाया था, तब उसमें से एक कटिंग आपको लगा के बताई थी, तो जो मैंने पार्ट कट किया था उसका मैं अपडेट दे रही हूँ आप पे। आपको ये देखिए, इसमें एक छोटी सी शूट निकल आई है, ये देखिए दूर रखा है तो मैं दूर से ही आपको दिखा रही हूँ, और आप देख पा रहे होंगे क्लियर, इसमें एक शूट निकल आई है। तो काफ़ी आसानी से ये प्लांट हमारे कटिंग के बाद चल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, बारिश की बूंदें पौधों पे कितनी सुंदर लग रही हैं, और बारिश की वजह से काफ़ी सारा काम पेंडिंग पड़ा है। यहाँ पर हमारे डायंथस, जो कि लास्ट ईयर के ही हैं, और इसे मैंने अभी रिपोर्ट किया है ताकि ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे अभी। और यहाँ पे देखिए, हमारा ये वाला फाइकस का प्लांट, जो कि मैंने बोनसाई के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो ये मैंने छोटे से बोनसाई पॉट में डाला था और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं इस प्लांट के साथ। तो अभी देखिए, रेनी सीजन में इसकी रूट्स देखिए किस तरह से निकल आई हैं, जैसे बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, पुराने सालों पुराने पेड़ होते हैं, तो उनकी जो जड़ें झूलती हैं, ये उसी तरह से हो गया है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं इसका क्या करूं, कैसे करूं, देखती हूं, मैं इसके बारे में देखूंगी कि मैं क्या कर रही हूं। और उसी पॉट में लगा हुआ है, बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर से काफ़ी काई भी जमी हुई थी, और ये देखिए रूट यहां से वापस ज़मीन में, इसमें मिट्टी में भी चली गई हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसका नीचे का मेन स्टेम भी थोड़ा थोड़ा सा मोटा होता जा रहा है। तो बस फ्रेंड, छोटा सा ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो मनी प्लांट का अपडेट, जो कि मैंने एक टेबल टॉप के लिए डेकोरेटिव पीस बनाना बताया था पत्तियों से, मनी प्लांट से, तो उसका अपडेट दूंगी, क्योंकि एक किसी फ्रेंड ने कमेंट करके पूछा था, अभी मुझे याद नहीं है उनका नाम, तो क्योंकि उन्होंने भी सेम वैसा ही ट्राई किया था मेरा वीडियो देखने के बाद, तो उन्होंने बोला कि उनका प्लांट नहीं चल रहा है सही से, तो अपडेट दीजिए। तो देखिए, ये वही पॉट है जिसमें मैंने आपको बताया था एक एक पत्ती कट करके और लगाई थी मैंने मनी प्लांट की। वीडियो नहीं देखा है जिन फ्रेंड्स ने, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं तो। तो देखिए,
मेरे प्लांट का अपडेट मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। सारी ही पत्तियाँ मेरी जो मैंने लगाई हुई थी, ऑलमोस्ट सारी ही पत्तियाँ अच्छे से ग्रो हुई थी, बल्कि नई पत्तियाँ निकली हुई हैं। आप देखिए उनमें नए शूट्स निकल आए हैं और एक आध पत्ती बस इसकी ख़राब हुई थी, जो कि मैंने अभी तक भी नहीं निकाली है। थोड़ी सी मुरझाई हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ऊपर से पत्ती तो मुरझा गई है लेकिन अंदर से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए ये वाली पत्ती है वो, और इसके अलावा मेरी कोई भी इसमें से कोई भी पत्ती ख़राब नहीं हुई थी, सारी पत्तियाँ अच्छे से चल गई थी। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि जो फ्रेंड ने क्वेश्चन किया है उनने पानी ज़्यादा डाल दिया हो। आप इस प्लांट पे पानी कम देना है, मनी प्लांट पे, मैंने पहले भी बताया था। तो ड्राई होने दीजिए पूरी मिट्टी को, उसके बाद ही पानी दीजिए, और हफ्ते में एक बार कम से कम आप इसे थोड़ी सी सनलाइट दिखाइए, तो ये आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। कोई बात नहीं, अगर एक बार ख़राब हुआ तो इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए, आप फिर से ट्राई करिए, कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।